मेहरता मंडी की जीरा की खास बात है, पूरा वर्ल्ड महीने मेहरता बेल्ट को जो जीरो आवे ना इन महीनों तेल निकलिया करे। बठिनो भाई चौथर से बोली आ रही है थारी साइड है। राम रूट जावे राज रूट जावे। समर्थन मूल्य जब तक नहीं मिलेगा जब तक लोगों ने किसान बेवकूफ बनवेला। कौन बेवकूफ बनाऊंगा कहीं होगा। जीरे के अंदर बीमारी ज्यादा थी इसलिए खर्चा ज्यादा पड़ा था। किस चीज की बीमारी ज्यादा ही भाई? किसान अब की बार तो पिटा ही है ना। भाव कहाँ रहा? अब आश है कि 4 तारीख तक रिजल्ट आवे लोकसभा चुनाव, क्या पता एक्सपोर्ट ज्यादा हो जाए तो कुछ भाव मिल जाए किसानों। सिंधी सुवा को अमेरिका में नाश तो करो जाए। हर किसान ने मारो तरफ एक छोटो सजेशन है पानी तो इतनी दवाई क्यों डाल करो जब बेर है आपने जानो पेट में ही है खराब करेगा। जड़कन जड़ गलन होती है। जीरा का भाव चल रहा है बार करीबन तो काफी किसान तो मनिया लगा पिछली बार ने देखता हुआ दाब भी लिया होगा बहुत ग्राम पड़ा है। राम राम जी मोक्ष पोजल को राजस्थान पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल मैं हूँ नागौर मेड़ता सिटी और मेड़ता के अंदर भाई बहुत बड़ी जो अनाज मंडी बताई जाया कर है और अठे मैं बताना चाहूँगी कि भाई फिलहाल सौंफ और जीरा की अच्छी खासी फसल है बन निकली है और सौंफ और जीरो आ रहा है कि अड़िन तो जीरो देख सको अड़िन सौंफ है और ज़्यादा सरसों सौंफ और जीरो ऐसा दिखाई दे रहा है। तो शेखावाटी साइड में या और साइड में आप जाओ तो जीरो इतना हुआ है कोनी जाए कि आप नागौर साइड में आ जाए वहाँ तो इली साइड में जीरो है। तो आज आप जीरा के बारे में जानेगा कि भाई कैसी की फसल हो है और के कुछ भाव चल रहे किसान ने क्योंकि जो जितनी मेहनत हुआ है जितनों भाव मिल रहे हो या कौन मिल रहे हो। और पिछली बार की बात करें तो भाई जो जीरा को भाव है वो 60-70 चले गए हो तो किसान ही माला माल होगा। अब की बार किसान के कुछ मिल रहे है। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार। के नाम आपको? ओम प्रकाश चतरवाल। तो ओम प्रकाश जी थे मंडी के अंदर का ही संभालो? मंडी में तो माल बेचा जीरा सौंफ किसान ले रहा है वह बेचा आगे सप्लाई खड़े करो मतलब अलग अलग भारत में हर जगह है बेंगलोर में मद्रास हुए अलग अलग सब जगह सब शहर में सौंफ और जीरो ज्यादा हाईलाइट मतलब ज्यादा दिखाई दे रहे हो। ज्यादा माल ही वही ज्यादा है सौंफ है जीरा है सब गोल है। तो अभी फिलहाल कौन सो के कितो के भाव चल रहे है? जीरा का भाव चल रहा है बार करीबन 25,000 लेर ऊपर में 30,000 तक। अच्छा क्वालिटी मत है बढ़िया क्वालिटी को है जो 30,000 है और हल्की क्वालिटी को जो 25, 26, 27, 28। और या सौंफ रे? सौंफ में भी अलग अलग भाव पहले तेजी है बार मंदी है 6,000 ले रहा 12,000 तक है बार। और या सरसों ही है ना पीछे? बिल्कुल सरसों है। हाँ तो सरसों को क्या चल रहा है? 5,840 तेल। अच्छा मेरे बाद में तेल ज्यादा हुए तो पैया ज्यादा हुए जावे तेल कम। सौंफ का कितना बताए थे? सौंफ 6,000 लेर 12,000 तक। तो किसाना ने जो मिलना चाहिए वो मिलन लग रहे हो? बिल्कुल मिल रही हो मेहरदा मंडी में सिस्टम ही हुई है सब नेट तोल ईमानदार मंडी और कैश पेमेंट। मेहरदा मंडी की जीरा की खास बात है पूरा वर्ल्ड महीने मेहरदा बेल्ट को जो जीरो आवे ना इन महीनों तेल निकलिया करे। कोई मेडिकल आयुर्वेदिक में काम आया करे मेडिकल में तो इसमें 0.5% तेल निकलिया करे जीरा में। अच्छा। जबको मेहरदा बेल्ट को जो जीरो है ना बाकड़ो बेस्ट क्वालिटी है पूरा वर्ल्ड की अमेरिका वगैरह कट्ठे भी जावे ना समझो बेस्ट क्वालिटी में आया करे। इस वास्ते अटा को जीरो फेमस है इस कारण मेहरदा मंडी फेमस भी है। अच्छा। और मेन चीज मेहरदा मंडी के चारों मेर जो एरिया है ना किसान हर चीज मसाला की ज्यादा बाउंड होगा सौंप है असालिया है सिंधी सुआ है ये सब माल है जो मसाला ब्रांड है इसलिए यहाँ मेहरदा मंडी फेमस है। पिछली बार हूँ और अब की बार में क्या कंपेरिजन कर कहा मतलब सौंप में जीरा में अन में? नहीं पिछली बार जीरा की पैदावार कम ही इस बार जीरा की भाव भी ज्यादा है। इस बार जीरा और सौंप दोनों पैदावार डबल है और भाव आधा है। पिछली बार भाव बहुत नीचा आया था किसान जीरा और सौंफ बहुत कम भाया छोड़ दियो बीस जगह दूसरी चीज भाई ली। इस बार कहीं जो लास्ट ईयर पर कहीं जीरा रे ज्यादा भाया इस बार मतलब पैदा ही नहीं आया पर इन महीने जीरा और सौंफ की पैदावार डबल है लास्ट ईयर और डबल है। मतलब ये बात यहाँ समझ में आ रहा है कि भाई जब भाव कम आवी जना पाया अगली बार यहाँ सोच लें कि अगली साल आप बादशाह होनी और भी अगले साल ही ज्यादा भाव आवी। बस आज मेन कमजोरी किसान की हटी है। अच्छा। हर किसान ने मारो तरफ एक छोटो सजेशन है कि भाई हर चीज बानी चाहिए खाली एक चीज पर नहीं रहना चाहिए निर्भर एक चीज पर मत हो किसान थोड़ा जीरा भाव थोड़ा सौंफ भाव थोड़ा इसबगोल भाव सारी चीजें मिला के भाव। अच्छा। ये किसान क्या करते हैं कि या तो सौंफ के पीछे पड़ जाते हैं या जीरे के पीछे पड़ जाते हैं उसके बाजार डाउन कर देते हैं। राजस्थान के अंदर हमारी मेहरदा मंडी डबल ए श्रेणी की मंडी है टैक्स के अंदर सेकंड नंबर पे आती है राजस्थान में सबसे बड़ी मंडी है। मतलब आसपास का कितना दूर दूर का लोग मंडी यहाँ से 200-200 किलोमीटर दूर से लोग आते हैं यहाँ 200-250 किलोमीटर से। राजस्थान की सबसे बड़ी मंडी राजस्थान की भामाशाह मंडी है कोटा उसके बाद में हमारे टैक्स के मामले में मेहरदा मंडी है। तो थे के लेके आए जीरो लेके आया
जीरो कितनों के जीरो लेके दसे क्विंटल लेके आया दसे क्विंटल तो दसे क्विंटल का कितनों के पेमेंट मिलो है मतलब 28,000 रुपए क्विंटल बिके मैडम 28,000 तो कितना कमा लिया आज कमा तो क्या लिया मैडम आजकल बहुत खर्चा पड़ रहा है इसके ऊपर खर्चा तो बहुत ज्यादा है अगर ये जीरे का भाव 40 तक हो ना तब किसान के थोड़े सुटेबल है हाँ, बहुत पिछली बार तो भाई काफी चढ़े हो जीरो हाँ, मतलब 60 तक बिका था मैडम तो अभी बार तो आधा ही है और खर्चा 60 के चक्कर में मतलब पेप्सी साइड है कुछ मजदूरी है सब ज्यादा बढ़ गई जैसे बरसात का मौसम क्लाइमेट खराब हो जाता तो हम लोग डबल मजदूरी देनी पड़ती है हमारे को तो अब की बार कोई मतलब राम की वजह थोड़ी फसल दिक्कत आई है नहीं नहीं कम आई बिल्कुल थोड़ा बहुत नुकसान हुआ ज्यादा नहीं हुआ अबकी बार किसी की फसल हुई है किसाना का यहाँ पर शॉप की जीरा की सब गोल मतलब अबकी बार उत्पादन सब का ही कम है मैडम थोड़ा क्लाइमेट गर्मी ज्यादा आ गई ना जल्दी इस कारण से मतलब उत्पादन जीरे का कम हुआ सौंफ का ही कम हुआ हर चीज मतलब जींस का उत्पादन कम हुआ तो स्टार्टिंग में क्या भाव आ रहे अभी फिलहाल तो मतलब स्टार्टिंग में थोड़े मंदे थे 20-22 24-25 तक थे अभी 10-15 दिन से मतलब ये 1 मई से उनका थोड़ा सुधार हुआ जो 20 मई तक ठीक चला अब वापस थोड़ा उतार आया हाँ। तो काफी किसान तो मनिया लगा पिछली बार ने देखता हुआ दाब भी लिया होगा जीरो बहुत गरम पड़ा मतलब बहुत घरों के अंदर पड़ा किसानों को अभी तो मतलब 50% जीरा आया शायद 50% घरों के अंदर है तो लगे कि आगे मतलब भाव आस की अब आस है कि 4 तारीख तक रिजल्ट आवे लोकसभा चुनाव क्या पता एक्सपोर्ट ज्यादा हो जाए तो कुछ भाव मिल जाए किसानों को मतलब सो क्यों चुनाव पर अटक हाँ सब लोगों की मतलब भावनाएं है होगा तो क्या पता डाउन भी हो सकता है सही हो भाई लोगों को आशा है कि भाई एक्सपोर्ट हो गए चुनाव के बाद तो थोड़ा भाव ठीक होंगे अच्छा अड्या का जो भैया हाँ जी नमस्कार नमस्कार मैडम भाई नाम है तारू मारा नाम महिपाल महिपाल जी खड़े हुआ है वो सिरसला कोई गांव है ये हाँ। अच्छा ठीक है लेके आए हो जीरो सिंधी सो हमारी साइड में कौन नहीं हुआ हाँ। तो के कुछ सिंधी सो को भाव चल रहा है सिंधी सो ये 11,000 तक है और यो जीरा को जीरो ये 28-30 तो कितनों के थर जीरो और यो हो जीरो यो आपने 28 क्विंटल जीरो यो तो किसाना ने फायदो है कोनी किसाना ने फायदो लेकिन ये भाव में मायने फायदो कोनी ये भाव का मान फायदो कोनी तो कितना भाव के अंदर किसाना ने फायदो है 40,000 से 50,000 तक का मतलब लागत इस बार किसान के ज्यादा है नहीं लागत ज्यादा हुई लागत क्या क्या हुई ज्यादा ज्यादा बीज की भी लागत ज्यादा हुई और जो फर्टिलाइजर दवाई है उसकी भी लागत ज्यादा हुई मतलब बीज 1,000 रुपए किलो खरीदा था 1,000 रुपया किलो खरीदो खरीदा था अभी बिक रहा है 300 रुपए किलो अच्छा मतलब थे तो डबल नहीं ट्रिपल में चला गया ट्रिपल में फर्टिलाइजर दवाई ज्यादा स्प्रे ज्यादा किए थे जीरे के अंदर बीमारी ज्यादा थी इसलिए खर्चा ज्यादा पड़ा था किस चीज की बीमारी ज्यादा ही भाई फंगस होता है इसमें जीरे के अंदर जो इसके मतलब कभी छाचे हो जाता है व्हाइट होता है जीरो उसके कारण जीरे पैदावार नहीं होती है जड़ ब्लैक होती है जीरा कटता है अच्छा जीरा की जब फसल है बक ऐसी करी जाए नवंबर महीने में इसकी बिजाई होती है लास्ट नवंबर हाँ, हाँ। नवंबर शुरू से लेके नवंबर एंड तक फिर उनको 4 महीना चलेगी की फसल हाँ 4 महीने तक लगभग मार्च शुरुआत में कटना शुरू हो जाता है मैडम और 4 महीने तक बहुत मतलब सेवा भाव करनी पड़ती है इसकी 3-4-5 स्प्रे करना पड़ता है निराई गुड़ाई करनी पड़ती है पानी तो इतनी दवाई क्यों डालिया करो जब बेरोगी आपने जानो पेट में ही है खराब नीचे जड़कन जड़ गलन होती है उसको ब्लाइट बोलते हैं पैदावार ही नहीं होगी जीरा होगा ही नहीं बिल्कुल तो यो जीरो अब नॉर्मल जीरो है यो मोटो भी जीरो है कि हाँ बिल्कुल इससे बड़े भी दाना होता है जीरे का ये मीडियम साइज है जीरे कलर को भी फर्क पड़ जाए इसमें मैं खुशबू तो मोटो सागेड़ी आ रही है बहुत तेज है खुशबू सब में एक ही आएगी हाँ जीरे में इसमें ऐसा है कोई मतलब हवा के प्रकोप से या उससे मतलब पतला भी हो सकता है दाना है जो बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है अलग अलग है इसमें सिंधी सुवा यू है हम तो समझ में ही नहीं आ रही अजीब सी आ रही है ना सिंधी सुवा को अमेरिका में नाश्तो करो जा है दादू जी नमस्कार है नमस्कार जी कई नाम है थारो मेरा नाम धीरा राम है धीरा राम जी तो थे चुपचाप शांति हो अकेले के बैठे हो बस बैठा आराम आया मतलब सिर का हाथ लगा के क्या सोचने लग रहा कुछ नहीं सोच रहे तो कहीं लेके आये हो ठेके बेचबन लाए हो रायरा सरसू ने रायरा बोलेंगे काली सरसों बोली तो मैं तो सरसों ही जाना हाँ तो रायरा कौन बोली मारी साइड तो अच्छा आपके साइड अच्छा तो कितनी है यहाँ है कितनी है सरसों ये तो होगी तो 20 क्विंटल के आसपास 20 क्विंटल तो क्या भाव चल रहे हैं सरसों को अब सरसों का भाव तो 5 लगा 6 तक का भाव है तो था कितो के मिलो आज यहाँ अब पता नहीं भाव आज ठाकुर अच्छा अभी ठाकुर से लेके आया है
कना से पहुंचे आठे लेके या सरसों 10 बजे आ गए थे। 10 बजे आ गया और अभी कोई भावता हुई को नहीं? अभी तक हुआ ना तो चुपचाप शांति उसके सोच रहा बस बैठे हैं आराम से। अच्छा अच्छा, तो कब तक बिक जाएगी? लगभग बिक जाएगी अब पता नहीं। अरे आज नहीं बिका, कल वापिस आना पड़ेगा था। क्यों बिक जाएगी? अच्छा अच्छा बिक जाएगी। तो क्या किसान अब की बार भाई ठीक ठाक है कि या पिटेगा? किसान अब की बार तो पिटा ही है ना। भाव कहाँ, भाव कहाँ रहा? पिछले साल से भाव कम हो रहा ना। पिछले साल भी बोई, इस साल भी बोई थी। हाँ 65 था गई साल, अब की बार जीरा 25-26-27 हज़ार का भाव है। जो किसान की उसकी भरपाई भी नहीं होती पूरी, क्या करे किसान? 65 हज़ार कहाँ है, सौंप का भाव आज 6 हज़ार बताया कि भाई 1000 रुपया किलो मतलब 20 मिलियो हो जीरा को। आज सौंप 65 रुपया 7 हज़ार रुपये बिक रही, वही सौंप आज से 7-8 दिन पहले 13 हज़ार रुपये बिक रही थी। 13 हज़ार मतलब कि भाई 4-5 हज़ार को फर्क आ गया। 5 हज़ार का फर्क है। किसान को तो नुकसान ही हो रहा है ना। अभी राम रूट जावे, राज रूट जावे, राम भी रूट होगी राम। हाँ तो फसल कम रही भी और राज रूट को भाव नहीं दे रही हो तो और क्या। बोली चल रही है? हाँ बोली चल। तो के कुछ ही कोई तो सफरी के इतना भेड़ा हो रहे हैं लोग। अरे तो ऑक्सीजन में तो शामिल होते ना, बोलिए तो पूरी चीजों की लगी है। अच्छा अच्छा, तो सारा लोग इकट्ठा जो लेवर होते हैं वो होते हैं, किसान भी आ जाते हैं। अच्छा, तो के कुछ चल रहे है को? वो इतना सौ बिका वो 7800 7800 आ रही हो वो बिका 7900। ये तो हल्का माल, इसमें मिक्सिंग है कुछ, इसके अंदर सुआ कचरो, है। कचरो है के? कचरा नहीं, सुआ होता है। सुआ क्यों है? सुआ तो क्या होता है, सिंधी सुआ। अच्छा, वो मिक्स है, वो मिक्सिंग से चलता नहीं है। 2001 2 भाई इजा बोली है बात चल रही है। समर्थन मूल्य जब तक नहीं मिलेगा जब तक लोग किसान बेवकूफ बनवाला। कौन है कौन बेवकूफ बनाऊंगा, कहीं होगा बाने बनावला और कौन बनावला? किसान कहीं कहीं है की कोनी है? तो कहीं मिल रहे कौन के कुछ समर्थन मूल्य? बस समर्थन मूल्य मिल नहीं रही हो किसान ने। पहले कांग्रेस बनाई, बीजेपी बना रही है, सब एक ही भाव है, कोई फर्क नहीं। तो सरकार ने तो बराबर कर दी है। बराबर है ही है सब, है जी का लूटो बस, और की कौन लूटना। पहला तो कहते गरीबा नहीं जटा दो बस, वो फर्क है और की कोनी है। बठिनो भाई 7400 बोली आ रही है थारी साइड। बोले थे कुछ बोले को नहीं? बस बहुत बात है, पड़ता नहीं आ रही है, पड़ता नहीं आ रही। हाँ ये पहले 10,000-12,000 बिकती थी। अच्छा, डाउन हो गई बिल्कुल। ऊपर में 23,000-24,000 बिकी है अभी महीना भर पहले। अभी भाई बोली लागन लाग रही है 7551 रुपया। अंकल जी रेस्ट कर रहे हो, बेचने के लिए आए हो क्या? बड़ा नींद आ मंदिर मत हॉस्पिटल का मैं दिखा बन ले रही हो। अच्छा, ट्रैक्टर आयो तो ट्रैक्टर में बिठान ले जाओ। अच्छा, अब तबीयत खराब है? तबीयत खराब है, आपके ने पिया लगा बा की व्यवस्था है तो हॉस्पिटल में भर्ती कराई दियो। के दिक्कत होगी थारे? बताओ थारी काई दिक्कत है? काई दिक्कत है? तो एलर्जी नहीं रहा। एलर्जी में क्या क्या है? एलर्जी अब गंदियों कंपियों और लाई और एलर्जी रहा। एलर्जी हो तो ते घर का मान रही अखरो फिर थान बेरे मारे दिक्कत होगी शरीर में। घर में रहे बाहर काट दिया घर का। कहीं ठोक की तो कोई कौन काटे मारे? काट गेन कौन धंधो कौन करे? पिया नहीं कमावे जन पर रोटा कहीं का गाले धान मुंगियाड़ो ने कट ले रहा वे धान। हाँ कट ले रहा। अभी थे कहीं कहीं बेचने वास्ते आए हो? मैं तो हंड आयो हूँ। एक पेशेंट है, 5 लोगों का साथ मारे हुआ। लगातार थी वीडियो के माध्यम देखे हुए कि भाई जो नागौर मेड़ता मंडी, मेड़ता के अंदर जो मंडी है, धान मंडी बोल सका आप, अनाज मंडी बोल सका, हाँ अठे में आया हाँ। देखो उड़े सौंफ है, जीरो है, ये सब गोल है, ये तरीका की मतलब फसल ही एकदम नहीं पतली, मतलब छोटी फसल यानी कि छोटे दाना वाली फसल, तो अलग अलग भाव चल रहे हैं। और अभी से आप बात करा तो भाई जो सौंफ है, सौंफ जो एकदम हरी सौंफ है, थोड़ा मोटो दानो है, हरी सौंफ है भी सौंफ का थोड़ा ज़्यादा रुपया ही, और जो एकदम धोड़ी धोड़ी सौंफ होगी तो भी का कम रुपया ही। और जीरा का पिछली बार ही थान पता हुआ कि भाई ज़्यादा हो, यहाँ जीरा की फसल है भाई साइड में खूब हुआ है और किसान ही भाई खूब लाभ उठाए अब की बार पर। अब की बार से हम बात करें तो भाई 25-25 हज़ार लेके 30-35 हज़ार रुपया तक वो जीरो है,
तो कठे ना कठे मतलब जो किसान जितना भाव मिलना चाहिए बितनो मिल कौन बारे हो किसान थोड़ा सा मतलब है भाई अब की बार थोड़ा सा पिटगा क्यों पिटगा क्योंकि थोड़ा ज्यादा भाव बड़ी की मिलता तो किसाना का 2 रुपया ही भाई मिलता। जीरा की सौंफ की जो मंडी है बठी माया वीडियो शेयर करना है। मैं भी पहली बार जीरा और सौंफ की मंडी है बा देखी थाने भी विजिट है बा करवाई ही। धन्यवाद। राम राम जी।